ऑल द स्टूडेंट डी ब्लॉक वालों, डी ब्लॉक एलिमेंटों की, ठीक है ना, और एफ ब्लॉक एलिमेंटों की भी बात करेंगे। और इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये देखिए, आप इसको जब समझें, आप इस वीडियो को जब देखें तो आप पीरियोडिक टेबल जरूर लेकर के बैठे साथ में, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो ये है पीरियोडिक टेबल एक तरीके से ये, ठीक है। और ये मैंने इधर पूरे नहीं बनाए हैं, है ना, यानी कि ये खास से लेकर के 13 से लेकर के 18 तक की इधर की तरफ, ठीक है ना। 1 और 2 इधर हैं, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11 और ये 12, ठीक है। ये है आगे बात समझ। अब नीचे और भी दो कॉलम दे रखे हैं आपको इस तरीके से, ठीक है ना, जिसमें मतलब कि 14 एलिमेंट्स एक में और 14 एलिमेंट दूसरी में है। इसको अपन लेंथेनाइड करते हैं, लेंथेनाइड और इसको एक्टिनाइड करते हैं, ठीक है ना। सीरीज लिखा हुआ होगा वहाँ पर, देखना आप, ठीक है ना। इनको एफ ब्लॉक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक, ठीक है। ये है एस ब्लॉक, ठीक है, और ये है डी ब्लॉक, ठीक है, और ये है पी ब्लॉक, ओके। ये इस तरीके से बांट रखा है। अब अपन यहां पर बात ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तो डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक की और तो सारी बातें तो हो गई है, कॉमन बातें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि जो 3 से लेकर के 11 तक के एलिमेंट हैं, 11 ग्रुप तक के, इनको ट्रांजेक्शन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ट्रांजेक्शन एलिमेंट, ठीक है ना। जबकि 12 वाले को ट्रांजेक्शन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? ट्रांजेक्शन एलिमेंट उनको कहते हैं जिनमें मतलब क्या है कि डी ऑर्बिटल्स में मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीट भरे नहीं है, भरे जा रहे हैं मतलब, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो सिचुएशन है, एक तो वह कि आप मान लीजिए कि एक ट्रक है और उस ट्रक में माल भर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। एक तो मतलब कि दो प्रकार के ट्रक हैं, एक तो वह जिसमें क्या है कि माल भर चुका है पूरा, ठीक है ना, क्या पूरा माल भर चुका है, पैक कर दिया उसको। एक वह जिसमें माल भर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये 11 तक के जो एलिमेंट है ना, इसमें तो केवल माल भरने के काम हो रही है, इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। मगर कि कंप्लीट रूप से डी ऑर्बिटल्स में कंप्लीट रूप से 10 इलेक्ट्रॉन कब भर जाते हैं, यहाँ पर भर जाते हैं। तो ये कंप्लीट भर चुके हैं मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जिनमें डी ऑर्बिटल, डी जो क्या है कि मतलब ऑर्बिटल्स हैं, उसमें कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके होते हैं, तो उनको अपन ट्रांजेक्शन एलिमेंट नहीं कहते हैं। मगर उनको डी तो कहेंगे, मगर ट्रांजेक्शन एलिमेंट नहीं कहेंगे। जिनमें भर रहे हैं, है ना, जिनमें कंप्लीट नहीं हुआ है अभी और भर रहे हैं, रनिंग में चल रहे हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन एलिमेंट भी कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इनकी बारे में बात करते हैं। तो ट्रांजेक्शन और डी ब्लॉक में थोड़ा मतलब डी ब्लॉक में ही है ट्रांजेक्शन एलिमेंट, तो दोनों का कंफ्यूजन दूर करते हैं, इसको छोड़ करके और सभी को ट्रांजेक्शन एलिमेंट कहेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे करके आपको समझा दिया मैंने 10th क्लास के हिसाब से, ठीक है ना, ओके। अब आप एफ ब्लॉक की तरफ आइए। इन एफ ब्लॉक के जो 14 एलिमेंट है ना, उनको यहाँ से ही निकाला गया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, आप देखिए आपकी पीरियोडिक टेबल में, और उसमें क्या है कि मतलब जो 3 वाला जो क्या है कि ग्रुप है, उस 3 वाले ग्रुप में इधर की तरफ देखेंगे तो जो 6 वाला और 7 वाला जो पीरियड है, 6 और 7 वाला पीरियड, तो 6 वाले पीरियड और 3 वाला ग्रुप, 6 वाला पीरियड और 3 वाला ग्रुप, ठीक है ना। उसमें यहाँ पर लेंथेनम 57 लिखा हुआ है, तो उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, उन सभी एलिमेंटों को यहाँ पर लिखा हुआ है 14 एलिमेंटों, ठीक है ना। आगे बात समझ, 14 एलिमेंटों, तो इन 14 एलिमेंटों को लेंथेनाइड सीरीज करते हैं, ठीक है ना। और ये 14 एलिमेंट कहाँ से निकाले हैं, यहाँ से, इसके बाद वाले, ठीक है ना। ये इनको अलग क्यों रखा गया है, इनको इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि अगर इन 14 एलिमेंटों को यहाँ पर स्पेस दे दिया जाए
तो ये पूरी प्रिडिक्टेबल इधर की तरफ खिसक जाएगी, है ना। और इसका एक तरीके से क्या है कि जो शकल है ना वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इस शकल को बरकरार रखने के लिए, मतलब कि मतलब अच्छी लगे, ठीक है ना, तो एक तरीके से इन एलिमेंटों को, 14 एलिमेंटों को बाहर एक तरफ रख दिया, ठीक है। इतना सा है केवल, आगे बात होती बाकी ये एलिमेंट यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। अब ये भी बात सुनिए कि डी ब्लॉक के यहाँ तक के एलिमेंटों को अपन ट्रांजेक्शन एलिमेंट कह रहे थे, ठीक है ना। एफ ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजेक्शन एलिमेंटों के अंदर वाले एलिमेंट है, इसलिए इनको इंटर ट्रांजेक्शन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर ट्रांजेक्शन एलिमेंट, यानी कि ट्रांजेक्शन एलिमेंटों के भी अंदर वाले एलिमेंट, तो वो क्या कहलाएंगे? इंटर ट्रांजेक्शन एलिमेंट, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ट्रांजेक्शन के अंदर वालों को इंटर ट्रांजेक्शन एलिमेंट, यानी कि हिंदी में कहते हैं अंत संक्रमण तत्व, ठीक है ना, संक्रमण तत्व। और इनको कहते हैं संक्रमण तत्व ओनली, ठीक है ना। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ठीक है, ट्रांजेक्शन एलिमेंट, और इनको कहते हैं इंटर ट्रांजेक्शन एलिमेंट, ठीक है, ओके। ये आपको इतना सा इनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। एप ब्लॉक के एलिमेंट जो क्या है कि एप ब्लॉक के एलिमेंट कहां पर हैं? पीरियड 6 and 7 ग्रुप 3 से निकाले गए जो एलिमेंट हैं उनको एप ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, है ना। यानी कि ये पीरियड 6 और कॉलम यानी कि ब्लॉक ये क्या है कि ग्रुप 3 के मेंबर हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, वहां से इनको निकाला गया है 14 एलिमेंटों को, जिनमें क्या है कि मतलब उनकी आउटर मोस्ट सेल में या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या है कि मतलब किसमें? एप ऑर्बिटल्स में इंटर करते हैं, ठीक है ना, उनको एप ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, ओके। ये है, अब अपन बात आगे करते हैं। इनके नंबर्स कितने होते हैं एप ब्लॉक वालों पे? एप ब्लॉक वालों के होते हैं 28, कितने होते हैं? 14 + 14 यानी कि 28, ठीक है। पहले अगर 27 लिखा हुआ हो तो सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने में हो गया होगा, ठीक है, ओके। ये तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई, और आप और भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियडिक टेबल की फोटो आपके पास में बुक में है ही, और भी उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज आप गेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो हुआ इनके बारे में बात। अब अपन बात करते हैं, ये तो ग्रुप की बात हुई, और ग्रुपों को अपन ने इस तरीके से अलग अलग कॉलमों में इन अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा गया था। अब पीरियड की बात करते हैं, पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल रो जो है ना उनको पीरियड कहते हैं, और इनकी जो नंबर्स हैं इनके 7 हैं, मतलब कि 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं, इस तरीके से 7 हॉरिजॉन्टल रो जो, ठीक है ना। खड़े वालों की तो अपन ने बात कर ली है, अब 7 इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना, 7 है इस तरीके से आडे वाले। तो जो 7, अब इनमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको? इनमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है फालतू का, ठीक है ना, एलिमेंटों की संख्या ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। जो पहला वाला यानी कि जो पहला वाला पीरियड है उसमें केवल 2 एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है और एक इधर की तरफ लास्ट में बीच में खाली जगह छुटी हुई है और हीलियम है। यानी कि फर्स्ट वाले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं? 2, ठीक है, 2 एलिमेंट। आगे पास हो गए, दूसरा जो पीरियड है उस दूसरे वाले पीरियड में 88 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 8, जिसमें 6 तो इधर के हैं, 6 तो यहाँ के हैं, है ना, और 2 यहाँ के हैं, ठीक है, बाकी और पूरा ही खाली है। आगे पास हो, 6 तो पी वालों के हैं, पी ब्लॉक वालों के, और 2 S वालों के हैं, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर कितने हुए? 8। और जो 3 वाला है ना, उस 3 वाले में भी वैसी की वैसी सिचुएशन है जैसे सेकंड में, 2 तो इधर की तरफ, ठीक है ना, और 6 इधर की तरफ, ठीक है, तो टोटल वही 8 एलिमेंट इसमें भी, ठीक है। और जो फोर्थ वाला पीरियड है, उस फोर्थ वाले पीरियड में 2 तो यहाँ पर हैं, है ना, और 10 यहाँ पर हैं, ओके, डी ब्लॉक में,
और 6 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए 6 और ये 16 और 2 18 हो गए, यानी कि 18 एलिमेंट है इसमें टोटल, किसमें 4 वाले में। फिफ्थ वाले में भी एग्जैक्टली 4 की तरह ही है, 10 और यहाँ पर 6 है वो 18 एलिमेंट है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, और अब 6 की बात करते हैं, तो 6 में यहाँ पर 2 एलिमेंट तो है ही और 10 एलिमेंट यहाँ पर है ही, कोई दिक्कत नहीं है, और 6 एलिमेंट यहाँ पर है इसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ पर लेंथ है 57 के बाद के 14 एलिमेंट भी तो हैं, यानी कि जो अपन ने नीचे लिख रखे हैं, ठीक है, लेंथ एनाइड और एक्टिनाइड के फॉर्म में, तो लेंथ एनाइड के 14 एलिमेंटों को भी यहाँ पर ही गिनेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझो, तो यानी कि 18 + 14 है, इनको भी यहाँ पर ही ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो 18 और 14 ठीक है ना, दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो टोटल हो जाएंगे 32 एलिमेंट, कितने 32 एलिमेंट। ऐसा ही एग्जैक्टली इसी की तरह ही ये 7 वाले में है, 2 एलिमेंट तो एस ब्लॉक के है ना, और यहाँ पर एक्टिनाइड लिखा हुआ है, और एक्टिनाइड यहाँ पर 10 एलिमेंट तो इसके हैं डी ब्लॉक के, 6 एलिमेंट उसके पी ब्लॉक के हैं ही, ठीक है ना, और इसके 14 एलिमेंटों को अपन यहाँ पर गिनेंगे एक्टिनाइड वालों को, ठीक है ना। तो टोटल हो जाएंगे 14 और प्लस 18 इज इक्वल टू 32, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये है यानी कि फर्स्ट वाले में 2 एलिमेंट होते हैं फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, और फिर 18 है, फिर 18 + 14 यानी कि 32 है, ठीक है ना, इनको ध्यान रखेंगे और कुछ भी नहीं है, इतना सा है पीरियड में। आगे पास हो, टोटल पीरियड कितने हैं 7, ठीक है, आगे पास कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं आगे, जो पीरियड पीरियडिक जो टेबल है, इस पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग कुछ आपको मतलब क्या है कि एलिमेंटों के ट्रेंड्स पढ़ने हैं, ट्रेंड्स यानी कि उनकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ट्रेंड्स है कुछ, तो पहला ट्रेंड्स क्या है, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज, ठीक है ना, कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, किस तरीके से एटॉमिक साइज चेंज होती है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, ओके, इसको समझेंगे ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ट्रेंड्स कैसे होता है एटॉमिक साइज का। तो देखिए जो पीरियोडिक टेबल है उसमें देखा जाए तो ये पीरियोडिक टेबल, और इस पीरियोडिक टेबल में बात ध्यान दीजिए, है ना, ये पीरियोडिक टेबल, अब इसमें ध्यान, सबसे पहली बात ये है कि जब अपन क्या है कि मान लीजिए कि व्हेन, ठीक है ना, जब वी आर गोइंग फ्रॉम LHS, ठीक है ना, टू RHS, ठीक है, यानी कि LHS साइड से RHS साइड इन पीरियोडिक टेबल, देन द एटॉमिक साइज इंक्रीज, तब क्या होती है एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है। आगे बात समझे, जब अपन LHS साइड से RHS की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, ठीक है ना। पहले मैं इसमें बता देता हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है ना, मतलब जब अपन क्या है कि ये क्या है, ये RHS साइड, ये LHS साइड है LHS, और ये क्या है RHS, ठीक है ना, ओके, यानी कि इसके कहने का अर्थ ये है कि जब अपन क्या है कि मतलब LHS साइड से, इस साइड से, ठीक है ना, इस साइड से एस ब्लॉक की तरफ की साइड से, ठीक है ना, पी ब्लॉक की साइड की तरफ, यानी कि आर एच एस साइड की तरफ,
अगर इधर से इधर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज में वृद्धि होती है। सही है, नहीं है ये, ठीक है ना, ये गलत है, यहाँ पर उल्टा हो गया है। LHS को अपन इधर की तरफ और RHS को इधर की तरफ लिखेंगे, ठीक है ना। LHS यानी कि इधर की तरफ से P ब्लॉक की तरफ से अपन S ब्लॉक की तरफ जाते हैं, इधर से इधर की तरफ, ठीक है, इधर से इधर की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है, एटॉमिक साइज में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, एटॉमिक साइज में बढ़ोतरी। जबकि अपन इसका उल्टा कहें कि RHS से LHS की तरफ जाएंगे तो क्या होती है, एटॉमिक साइज में क्या होती है, कमी होती है। ध्यान दीजिए, ये है RHS और ये है LHS, ठीक है ना। तो RHS साइड से अगर LHS साइड की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिग्रीज होती है, और LHS से इधर की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, ठीक है ना। अब LHS को छोड़ो और RHS को छोड़ो, ठीक है ना, इनको तो कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी मतलब भी है तो आप साइड को ध्यान रखिएगा। मैं अब दूसरे बताता हूँ, जब अपन P ब्लॉक से S ब्लॉक की तरफ जाएंगे, मतलब इधर से इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, तो एटॉमिक साइज क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। और S ब्लॉक से अगर P ब्लॉक की तरफ जाते हैं इधर से इधर की तरफ, एटॉमिक साइज क्या होती है, डिग्रीज होती है, ठीक है। अब क्यों होगी, उसका कारण बताते हैं, ओके, ध्यान दीजिए। अपन एक पीरियड की बात लेते हैं, कोई सा भी एक पीरियड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये दूसरा वाला पीरियड ले रहा हूं मैं, सेकंड पीरियड, ठीक है ना, ओके, सेकंड पीरियड का एग्जांपल ले रहा हूं। सेकंड पीरियड में आपके पास में लिथियम है, ठीक है ना, इधर से बेरिलियम है, और फिर उधर ये तो एस ब्लॉक में है, फिर बोरोन है, ठीक है ना, और ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है, ठीक है, ये है। आगे बात समझ में, अब इसके कहने का मतलब ये है कि जब अगर ये तो S ब्लॉक और ये P ब्लॉक है, जब अपन S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ जाएंगे, यानी कि ये तो है RHS साइड और ये है LHS साइड, तो RHS साइड से LHS साइड की तरफ, LHS की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वह डिग्रीज होगी, क्या होगी, डिग्री। जबकि इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके, ये कह रहा हूं मैं। अब इसको एग्जांपल लिया है, इसको समझिए आप, क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा कि देखिए ये लिथियम है, ठीक है ना, इस लिथियम के पास, इस लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, कितना है, 3, तो इसके पास में ये है इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यानी कि इसके पास में यहाँ पर K में 2 और L में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसमें अब मैं यहाँ पर बार बार क्या है कि मतलब इनकी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है इतने, ठीक है ना, ओके, तो इस स्ट्रक्चर को तो आप छोड़िए अब, मगर इसके अकॉर्डिंग आप मतलब एक तरीके से अपने दिमाग में फील करते हुए चलना। इसके पास में K में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और L में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास में K में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास में L में 2 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ना, L में तो बढ़ेगा, ठीक है ना, और इसमें भी K में 2 और L में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी K में 2 और L में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी K में 2 और 4 L में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और इसी तरीके से इसमें भी K में 2 और L में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और इसमें भी K में 2 और L में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी K में 2 और L में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यही होंगे ना, ओके। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वही 3, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास 8, इसके पास 9 और इसके पास 10 है, ठीक है ना। अब देखिए,
मेरी बात को सुनने का ढंग से समझने का प्रयास करना कि इस एलिमेंट से इस एलिमेंट के पास गए, इसके बाद इसमें गए, इसके बाद इसमें गए, ये करके अपना आगे से आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर के सेल थी और एल सेल थी, तो सेल में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, सेल तो वही है एकदम, यानी कि के और एल दोनों लास्ट तक चल रही है, केवल इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं उसमें, ठीक है ना। मगर इलेक्ट्रॉन्स भरने के साथ साथ में दूसरी तरफ आप न्यूक्लियस में देखेंगे तो उसमें भी तो प्रोटोनों की संख्या बढ़ती जा रही है ना, उसमें भी बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होता है कि जब अपन क्या है कि RHS साइड से LHS साइड की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या क्या है कि मतलब क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। मगर जो एलिमेंट है उनकी क्या है कि सेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो सेल में परिवर्तन नहीं होता, मगर क्या है कि उधर न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या बढ़ती जाने के कारण ये न्यूक्लियस में प्रोटोनों की जो संख्या बढ़ रही है ये क्या करती जाएगी, उन सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर तीन प्रोटोन है, यहाँ पर चार हो जाएंगे, तो ये चार प्रोटोन इन तीन प्रोटोनों की अपेक्षा में इन सेल को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, फिर ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ये ज़्यादा करेंगे, ये ज़्यादा करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आते आते एलिमेंट क्या हो जाएगा, उस अट्रैक्शन पावर के कारण जो उनके क्या है कि प्रोटोनों ने लगाया है अंदर की तरफ, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे अट्रैक्शन पावर बढ़ता जाएगा ना, तो अट्रैक्शन पावर बढ़ने के साथ साथ में एक तरीके से क्या होती जाएगी, एटॉमिक साइज छोटी होती जाएगी, ठीक है ना। ओके, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पर दो चीजें हैं न्यूक्लियस के बारे में अपन बात करेंगे, तो न्यूक्लियस के दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज होता है, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है ना। पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए, ठीक है। ओके, ये तो हुआ है ना, जबकि अब मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज में क्या होती जाएगी, एक तरीके से कमी होती जाएगी, और इसका अपोजिट इधर से इधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रोटोनों की संख्या इधर से इधर की तरफ आएंगे तो कम होती जाएगी ना, तो कम होती जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स हैं वह उस एलिमेंट की सेल्स के ऊपर मतलब क्या है कि एक तरीके से अट्रैक्शन पावर उनका वीक होता जाएगा, इधर की तरफ जाएंगे और इधर की तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो साइज छोटी होती जाएगी, और इधर की तरफ आएंगे तो प्रोटोनों की संख्या कम होती जाएगी और अट्रैक्शन पावर उनका कम होता जाएगा, वो उनको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में ये है। अच्छा, दूसरी बात, एटॉमिक जो साइज है ये एटॉमिक साइज है ना, एटॉमिक साइज ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोपोर्शनल होती है सेल के, नंबर ऑफ सेल के, ठीक है ना। जितनी सेल बढ़ेगी एटॉमिक साइज बढ़ेगी, और अगर सेल नहीं बढ़ रही है तो एटॉमिक साइज नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गया RHS और LHS साइड। बी बात करते हैं, बी पॉइंट क्या है। बी पॉइंट ये है कि जब अपन एक ही ग्रुप हो, क्या हो, एक ग्रुप हो, ठीक है, उस एक ही ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाओ, ऊपर से नीचे जाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, कोई सा भी ग्रुप हो उसमें जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाने पर, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है ना। क्यों घटेगी, कारण उसका ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर्म में अपन में, अब पहले तो ये बात बता दी आपको, अब एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे ये फर्स्ट, अपन में फर्स्ट ग्रुप को बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल फॉर्म में लेकर के फर्स्ट वाले ग्रुप को, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंटों को यहाँ पर लिख देता हूँ। हाइड्रोजन है, ठीक है ना, लिथियम है, ठीक, सोडियम है, और इधर से पोटेशियम है, और रुबेडियम है, और इधर से सीसियम है, ठीक है, और प्रांसियम,
भले आप तो दो चार तक के देख लो या तक के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। औरों को ज्यादा देखने कोई जरूरत है, वो तो सारा ऐसे एक जैसे ट्रेंड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में केसेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये इसकी साइज होती है ना, यानी कि इसके पास में केवल एक सेल होती है के, ठीक है ना। इसके इसकी साइज ये के में दो इलेक्ट्रॉन और एल में इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि के और एल हो गई। तो इस तरीके से जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो क्या होता जाएगा, साइज बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो सेल है वो बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ सेल क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि द साइज ऑफ एलिमेंट आर प्रोपोर्शनली टू द नंबर ऑफ सेल, यानी कि नंबर ऑफ सेल के क्या होती है, वह प्रोपोर्शनल होती है। नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ते हैं, देखो इसमें एक ही सेल है तो इसकी छोटी होगी साइज, इसमें दो सेल हो जाएगी तो बढ़ेगी साइज, फिर इसमें तीन सेल हो जाएगी तो और बढ़ेगी, फिर इसमें चार हो जाएगी और बढ़ेगी, यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे तो सेल बढ़ने के कारण, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण एटॉमिक साइज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जबकि ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेल, नंबर ऑफ सेल कम होते जाएंगे और मतलब कि एटम्स की साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो ये दो, ये क्या है कि आपने पहला ट्रेंड्स पढ़ा जिसमें एटॉमिक साइज का ट्रेंड्स है, उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग और उसके पीरियड के अकॉर्डिंग। अगर अपन एक ही पीरियड में LHS से RHS की तरफ चलते हैं, अब मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ एटॉमिक साइज को, मतलब दो पॉइंट है आपके पास में A और B, तो ये तो पहला पॉइंट तो है अकॉर्डिंग टू द मतलब कि पीरियड, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द पीरियड या इन पीरियड, ठीक है ना। और ये दूसरा है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, ठीक है, या इन ग्रुप, ठीक है। अब अगर अपन एक ही ग्रुप में, एक ही ग्रुप में, ठीक है ना, RHS से अगर LHS की तरफ जाते हैं तो क्या है कि एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्या होती जाएगी घटती जाएगी, ठीक है। इधर से इधर की तरफ जाएंगे और इधर से इधर की तरफ आएंगे तो क्या होती जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। ये तो इन पीरियड, इन पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड की बात हो रही है, ठीक है ना। और इसमें ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, और ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। ये अब क्यों घटेगी, क्यों बढ़ेगी, वो आपको मैं बता चुका हूँ। क्योंकि जब अपन इसमें RHS से LHS की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगी, क्यों घटेगी, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या रेगुलरली बढ़ती जाएगी और वो प्रोटॉन्स उन सेल्स को क्या करते जाएंगे, अट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। इस वजह से साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो प्रोटोनों की संख्या कम होती जाएगी और जो सेल्स हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन पावर इतना नहीं रहेगा और वो मतलब क्या है कि वहाँ पर साइज बड़ी होगी। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप में तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल घटेंगे, ठीक है। इस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ती है और घटती है, ठीक है ना। ओके, ये तो हुआ, आगे अपन बात करते हैं। ये तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड हुआ। अब दूसरा ट्रेंड क्या है, दूसरा सेकेंड जो ट्रेंड है उसके बारे में बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।